बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोना स्टार्ट अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ एजुकेशन फॉर क्लास 8 एंड 9। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अब हम सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 28 पर हैं, जिसमें हमने पढ़ा था, टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जहाँ पर हमने एंड किया था वो था एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, यानी जब एज अ सब्जेक्ट उसको पढ़ा जाता है तो उसमें किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें उन्होंने फर्दर मज़ीद पॉइंट्स कहा था हम डिस्कस करेंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगे। तो वो जो फर्दर पॉइंट्स थे वो क्या क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन को पढ़ेंगे कि एजुकेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, यानी जिन पे वो कंसिस्ट करती है। फिर देखेंगे एजुकेशन की फाउंडेशन क्या है, यानी उसकी कह लें कि बुनियाद या उसके पिलर्स क्या हैं। फिर इज़ अ साइंस, एजुकेशन एक साइंस है। फिर एजुकेशन इज़ एन आर्ट, एजुकेशन आर्ट भी है। ठीक है, यानी जिस तरह एक साइंस होता है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की जाती है, इसी तरह एजुकेशन में भी कुछ चीज़ों को काउंटेड देखना होता है और एक आर्ट भी है। साथ एजुकेशन सुपरविजन किसको हासिल है, यानी इस पूरे सिस्टम को सुपरवाइज कौन कर रहा होता है या क्या चीज़ें सुपरविजन की ज़रूरत होती है किन चीज़ों को। फिर इसमें साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट का क्या रोल होता है, किस कदर ज़रूरी होती है। फिर करिकुलम क्या होना चाहिए, जैसे हमने इस्लामिक एजुकेशन में देखा था कि करिकुलम क्या होता है, तो यहाँ पर जनरली हम देखेंगे कि करिकुलम एजुकेशन में क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी होती है एजुकेशन में, हमारा कितना फोकस होता है इसके ऊपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। और द लास्ट टीचिंग पेडागोजीज, ठीक है, यानी टीचिंग टेक्निक्स क्या क्या किस कदर अहम होती हैं एजुकेशन के प्रोसेस में। ठीक है, नाउ कम टू योर बुक। जैसे हमने लास्ट में यहाँ से पढ़ा था एज अ डिसिप्लिन में, तो यहाँ पर लास्ट लाइन थी फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। जो भी मैंने आपको दिखाए हैं पॉइंट्स वो सब एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ब्रीफली है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट सिर्फ टच किया गया इन चीज़ों को, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, नंबर वन हमारे पास है, जैसे हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा था कि एजुकेशन एंड द कंपोनेंट्स, कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके कंपोनेंट्स में क्या कहा जा रहा है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग ऑफ करिकुलम एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल और कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। तीन चीज़ें हैं एजुकेशन कंपोनेंट्स में। क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, यानी किस मकसद से वो एजुकेशन दी जा रही है। फिर है कि क्या करिकुलम, यानी उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा, क्या सिलेबस होगा उसका। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उसमें जो चीज़ आपने डिसाइड की है सीखने के लिए या जो भी तालीम आप हासिल कर रहे हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिव उसका क्या होगा। ठीक है, उसके ऊपर क्या चीज़ें, कौन जो है उसको एडमिन कर रहा होगा। ये तमाम कंपोनेंट्स मिलके जो हैं एजुकेशन के, तीन कंपोनेंट्स मिलके इस प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ आपके लिए सर्कल में, ये सारी चीज़ें वो पॉइंट्स हैं जो भी हमने स्लाइड में देखे और एक एक करके हम उनको फर्दर स्टडी करते हैं। सेकेंड है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं। द आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन आर डिस्कस इन एजुकेशन। ठीक है, यानी फाउंडेशन किस तरह बनती है उसकी एजुकेशन के, कि उसमें नज़रियात को, फिलोसफी को और नफ्सियात को, ये तमाम, ये तीनों चीज़ें इसकी बेस होती हैं एजुकेशन की, बुनियादें होती हैं जिनके ऊपर काम किया जाना ज़रूरी होता है, फिर ही एजुकेशन का प्रोसेस चल पाता है। अब एजुकेशन इज़ अ साइंस, एजुकेशन साइंस किस तरह से है। एजुकेशन इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, लाइक एवरी ब्रांच ऑफ साइंस एजुकेशन इज़ द ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द मैटर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिस तरह हम साइंस में होता है कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, जो भी हमारे पास चीज़ है या जो भी स्पेसिमन है उसके एक मकसद के थ्रू उसके ऊपर स्टडी किया जा रहा होता है और उसको अचीव किया जाता है, इसी तरह एजुकेशन में भी जो एजुकेशन का मैटर है यानी स्टूडेंट है या सिलेबस है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको साइंस कह रहे हैं। रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी, सो एजुकेशन इज़ अ साइंस। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन के सब्जेक्ट में भी रिसर्च भी की जाती है। ठीक है, किस तरह रिसर्च की जाती है, बहुत प्लानिंग के साथ की जाती है और ऑर्गेनाइज फॉर्म में की जाती है, जिसकी वजह से एजुकेशन एक साइंस है। ठीक है, इसमें फर्दर एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें एमफिल या पीएचडी कराई जा रही है तो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है। जैसे हमने शुरू में पढ़े आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, तब जाके एक चीज़, एक स्ट्रक्चर हमारे पास एजुकेशन के फिनोमेना में क्रिएट हो रहा होता है। फिर आर्ट कैसे है,
एजुकेशन इज़ एन आर्ट ऑल्सो बिकॉज लाइक एवरी आर्ट इट इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है, यानी एक रटा रटाया प्रोसेस नहीं है या एक बोरिंग सा प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिविटी मांगता है, ठीक है, दिमाग को चलाने वाली चीज़ है. इट कम्स अप विद क्रिएटिव आइडियाज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यानी एजुकेशन की फील्ड रन ही तब कर पाती है जब इसमें क्रिएटिविटी हो, ठीक है, कुछ तख्लीक हो, कुछ नया हो, तभी ये प्रोसेस प्रॉपरली हो पाता है. अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ा देंगे या रटा देंगे तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा होता, ना ही वो ग्रूम कर रहा होता है, ना उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आ रही होती हैं. एज़ वेल एज अ प्रोडक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसी तरह टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ करने की कोशिश की जा रही होती है इस प्रोसेस एजुकेशन में. पूरा फोकस इस चीज़ पर होता है कि ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ हों जिनसे हमें रिजल्ट मिलें, ठीक है, कोई प्रोडक्ट निकले. इन दिस वे वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट. तो इस तरह हम कहते हैं कि ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. फिर सुपरविजन किसको हासिल होती है? एजुकेशन डील्स विद द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन, ठीक है, यानी सुपरविजन भी वही है कि जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हमारे असल मेन फोकस होता है. एजुकेशनल सुपरविजन्स आर नो मोर देन अ फेलियर अनलेस दे नो हाउ टू सुपरवाइज द एजुकेशन डज टीच देम, ठीक है, यानी एजुकेशनल सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे अगर उनको ये ना पता हो कि उन्होंने क्या चीज़ सुपरवाइज करनी है और किस तरह सुपरवाइज करनी है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है. फिर उसके बाद एजुकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट कैसे डील करता है? एजुकेशन डील्स विद द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स सिंस दिस फील्ड इज़ अ मस्ट नो फॉर टीचर. नो टीचर इज़ परफेक्ट अनलेस ही स्टडीज एजुकेशन, ठीक है, यानी इसमें स्टूडेंट को एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया जाता है कि उसके ऊपर उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरी तरह से देखा जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है. अगर टीचर को ये चीज़ें नहीं पता होंगी एजुकेशन के इस प्रोसेस में तो वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जब तक कि उसको एजुकेशन के इन चीज़ों के बारे में ना इल्म हो. करिकुलम में क्या होता है? एजुकेशन हेल्प्स टीचिंग इन डिज़ाइनिंग द करिकुलम फॉर वेरियस एज ग्रुप, ठीक है, यानी एजुकेशन की वजह से हम क्या करते हैं कि करिकुलम भी हर एज ग्रुप के लिहाज से डिज़ाइन किया जाता है. इट ऑल्सो डायरेक्ट्स हाउ टू इम्पार्ट द करिकुलम टू द स्टूडेंट्स. फिर ना सिर्फ ये कि डिज़ाइन किया जाता है हर एज के लिहाज से, बल्कि इस पर भी काम किया जाता है कि हर एज को उसके सिखाना कैसे है, उसको उसके अंदर एब्जॉर्ब कैसे करना है. फिर उसके बाद है पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन टेल्स हाउ द मैन चाइल्ड डिवेलप्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ, जैसे हमने देखा शुरू में भी कि इसमें इस चीज़ को देखा जाता है कि जो उसकी एक पर्सन की, एक मर्द की जो डिफरेंट डिवेलपमेंट्स होती हैं उसमें उसको कैसे हेल्प आउट करना है. इट एम्फसाइज़ द नीड फॉर मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्टिव डिवेलपमेंट, ठीक है, यानी एजुकेशन में फोकस किया जाता है कि एक इंसान को हर एंगल से डिवेलप किया जाए, मतलब उसकी हर जो क्वालिटी अंदर मौजूद होती है, जिस तरह हमने कॉग्निटिव एबिलिटीज़ देखा था, तो उन तमाम को सिर्फ एक पे फोकस ना किया जाए कि भाई ये अच्छा लर्नर बन जाए या ये अच्छा आर्टिस्ट बन जाए या ये अच्छा इसका आईक्यू हो जाए, सिर्फ इस चीज़ को नहीं देखा जाता बल्कि फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर चीज़ को ग्रो करने की कोशिश की जा रही होती है. फिर एजुकेशन एंड बेटर टीचिंग पेडागोजीज, ये भी बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन डायरेक्ट टीचर्स टू अडॉप्ट नोवल टीचिंग मेथडोलॉजीज, ठीक है, यानी नई टीचिंग मेथडोलॉजीज लेकर आए, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ हों एंड लेटेस्ट ऑडियो विजुअल एड्स हों, यानी ऐसी एजुकेशन में इस चीज़ को स्टडी किया जाता है या इस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है कि टीचर जो है मेथडोलॉजीज़ नई लेकर आए, यानी हर वो जिस तरह मैंने पहले बताया कि हर लेवल के लिहाज से, हर सब्जेक्ट के लिहाज से, हर स्किल के लिहाज से एक नई तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाए उसको कन्वे करने का, उसको सिखाने का, और ऑडियो हो या विजुअल एड्स हो, जो भी हो वो लेटेस्ट हो, पुराने ना हो, यानी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, या आपका जो भी स्टूडेंट है चाहे वो स्कूल कॉलेज का है, चाहे वो किसी स्किल ओरिएंटेशन में आया हुआ है, जिसमें भी वो है वहाँ पर वो उसके लिए नई चीज़ें हों, ठीक है, कोई ऐसी पुरानी चीज़ ना हो, बल्कि उसके लिए ऐसी चीज़ हो जो जिसको वो जल्दी एब्जॉर्ब करेगा. और उसमें यही होता है कि जितनी क्रिएटिव होगी और जितनी न्यू टेक्निक होगी उतना जल्दी हमारा स्टूडेंट जो है वो उसको लर्न कर पाता है, ठीक है. तो अभी हमने इसमें जो देखा स्कोप ऑफ एजुकेशन में, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पास मेंशन है. देखे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फाउंडेशन क्या है, एक साइंस है, सुपरविजन की ज़रूरत रहती है इसको, करिकुलम इसका डिज़ाइन होता है हमेशा, साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और बेटर और टीचिंग पेडागोजीज जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है. तो एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो इन तमाम चीज़ों पे
डिपेंड कर रहा होता है, या इन तमाम प्रोसेस के थ्रू एक आप कंप्लीट एजुकेशन या एक कंप्लीट रिजल्ट्स आप हासिल कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए। ठीक है, तो नाउ अगेन कम टू द क्वेश्चन, हम दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस टॉपिक में से कवर हो सकते हैं ईजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन इज़ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कंपोनेंट्स में हमारे पास तीन चीज़ें थी, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग ऑफ करिकुलम और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीन कंपोनेंट्स थे जो कि हमने कंपोनेंट के टॉपिक में देखे। फिर उसके बाद हाउ एजुकेशन हेल्प्स इन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमने ये इसमें पढ़ा है या शायद आपकी बुक का भी क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एजुकेशन कैसे काम कर रही होती है। वो हमने देखा कि मल्टी डायमेंशनल यानी पर्सनैलिटी के हर एंगल को ग्रो करने की, ग्रूम करने की कोशिश होती है इस प्रोसेस में। द लास्ट वन इज़ हाउ एजुकेशन इज़ अ साइंस। जैसे मैं ये तो हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि एजुकेशन एक आर्ट्स है, तो लेकिन ये साइंस किस तरह है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें भी रिसर्च के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम किया जा रहा होता है, जिस वजह से ये एक साइंस भी है। तो ये तीन क्वेश्चन हैं आपके लिए जो कि बहुत आसान है, इनमें से एक तो एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कवर हो जाएगी साथ। तो आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन को बुक पर अपनी नीट कॉपी पर अटैम्प्ट करना है। होप कि जो लास्ट लेक्चर में तीन सवाल थे वो भी आप अपनी नीट कॉपी पर अटैम्प्ट कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे, और उसमें फंक्शंस ऑफ एजुकेशन को देखेंगे कि फंक्शंस इसमें क्या क्या हैं। होप यू गेट द लेक्चर। अब जब आपके स्कूल इंशाल्लाह ओपन होंगे तब आपकी कॉपीज़ को बहुत ज़्यादा क्लीनली मैं देख लूँगी। अगर कोई मुश्किल आपको आ रही है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।